आगरा मलप्पुरम गोल्ड कंपनी में लूट करने वाले तीन बदमाश फिरोजाबाद के रहने वाले मनीष पांडे और निर्दोष प्रजापति का आगरा पुलिस कर चुकी किया इनकाउंटर। शातिर बदमाश नरेंद्र उर्फ लाला है फरार। आगरा में मलप्पुरम गोल्ड कंपनी लूट करने वाले तीन बदमाश मनीष पांडे उर्फ राजा पांडे, नरेंद्र यादव उर्फ लाला और निर्दोष प्रजापति, ये तीनों फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। आगरा पुलिस ने मनीष पांडे और निर्दोष प्रजापति को एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन अभी नरेंद्र उर्फ लाला फरार है। नरेंद्र उर्फ लाला की बात करें तो यह थाना दक्षिण मणिपुर का रहने वाला है, जहां उस पर थाना दक्षिण और थाना लाइनकार में 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 7 मुकदमों में उसको सजा दे चुकी है। जब नरेंद्र उर्फ लाला के घर मीडिया की टीम पहुंची तो उसके घर पर ताला लगा था। वहां पड़ोस में रहने वाले उसके पड़ोसी टिंकू ने बताया कि नरेंद्र उर्फ लाला यहां काफी समय से आया ही नहीं है। यहां उसका भांजा प्रिंस रहता है। वो कल रात को करीब 1 बजे पुलिस आई थी, उसे पकड़कर ले गई। नरेंद्र उर्फ लाला का पूरा परिवार क्रिमिनल है। उसके भाई जय हिंद का पुलिस काफी पहले एनकाउंटर कर चुकी है। उसने 2 पुलिस वालों की हत्या की थी। उसकी बहन विजया जेल में बंद है, वो भी लूट करती थी। नरेंद्र उर्फ लाल भी जेल में बंद था, लेकिन 2020 में कोरोना काल में उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया और उसने फिर दोबारा से क्राइम की दुनिया में दस्तक दे दी और आपराधिक घटना करने लगा। यह तो थी नरेंद्र यादव उर्फ लाला की कहानी। अब हम बात करते हैं मनीष पांडे उर्फ राजा पांडे की, जो कि 2014 में जैन नगर में रहता था और उसका घर का मकान था, जिसमें जैन नगर में रहने वाले मुकेश यादव नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह जेल चला गया, तब से ही उसका परिवार अपना मकान बेचकर जैन नगर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया और बाद में मनीष जमानत पर रिहा हो गया और फिर से क्राइम की दुनिया में पहुँच कर क्राइम करने लगा, जिसका आगरा पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। जब मीडिया की टीम जिस मुकेश यादव को क्या हुई थी उसके घर जाकर उसके पिता से बात की, तो उनका कहना था कि मनीष पांडे शुरू से ही लूटपाट की घटनाएं करता रहता था। वह और उसका पिता दोनों बदमाश थे। उसने हमारे बेटे मुकेश यादव की हत्या कर दी और जो पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मारा है बहुत ही सही किया है और ये पुलिस का बहुत अच्छा कार्य है। वहीं अगर निर्दोष प्रजापति की बात करें तो वह गांव रसीदपुर कनेटा थाना मतसेना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके एनकाउंटर के बाद उसका पूरा परिवार शोकाकुल है। मीडिया की टीम उसके घर पहुंची और उसके भाई सोनू से बात की, तो उसका कहना था कि वह नोएडा में जॉब करता था और उसने काफी अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, डिप्लोमा भी कर रखा था। पिछले महीने उससे बात हुई थी। छोटे लाल जी, आपके बेटे की हत्या की थी मनीष पांडे ने, पुलिस का इनका एनकाउंटर किया, क्या इसके रिकॉर्ड रहे? आप तो इतने बुजुर्ग जानते हो। बदमाश था पहले से भी, इसका बाप भी बदमाश रहा है और इनके रिकॉर्ड अभी तक खराब ही रहे। ये आके रहने वाले हैं, इधर के फूड बॉय के पंडित हैं ये। किस तरह के अपराध करते थे, किस से शुरुआत हुई थी इन लोगों की? लूट खसूट करते थे। इसका बाप भी 2-3 बार जेल गया था, कई आदमियों गोली फोली मारी थी, लूट की तेजा था, उसको गोली मारी इसके बाप ने। अच्छा, आपसे क्या दुश्मनी रही आपके बेटे? हमसे कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी से झगड़ा हो गया था, खाम खाई ने एक बात के ऊपर इसके लौटे थे, तो इसमें कहीं चाटा वाटा मार दिया होगा किसी लड़की। अच्छा, इसी बात में मर्डर कर दिया। आज पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है, आप कैसा मानते हैं? हमें तो बहुत खुशी हुई, हमारे परिवार को खुशी हुई, हमारे बच्चों को मार, हमारे नए नक से बच्चे के खड़े, ये 3-4 बच्चे उसके भी लड़कियाँ आई थी, एक बेटा खड़ा, ये बेटा ये बाद में पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है। सोनू निर्दोष को पुलिस ने मार दिया, कैसे वो इन चीजों में पड़ गया? वो तो बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा था, क्या क्या पूरी बात हो, क्या क्या हुआ था शुरू से? आपका तो भाई था भैया, जो लेदर का फुटवेयर का जो डिप्लोमा करने के बाद जॉब वगैरह करने लगा प्राइवेट, तो उसके बाद बाहर रहता था, इतना पता नहीं क्या कर रहा है, बस जताता कि जॉब कर रहा हूँ। कहाँ जॉब करता था? देहरादून में जॉब की, और उसके बाद फिर नोएडा में मार्केटिंग की जॉब करता था। कितनी पढ़ाई कर रहे कितने दोस्त में? BSc के बाद चेन्नई से 1 ईयर का डिप्लोमा किया था। किस चीज़ का? CFTI, जो मद्रास से होता है, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, वहाँ से 1 ईयर का डिप्लोमा किया था। इन ऐसे लोगों के चक्कर में कैसे पड़ गया, जैसे नरेंद्र उर्फ लाला, ये मनीष तो पांडे बदमाश हैं, जो इन सब के बारे में कुछ पता अच्छा नहीं। जैसे उस पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया, उससे पहले उसका फ़ोन आया आपसे बात हुई थी? कुछ फ़ोन आया था ऐसे ही 8 या 7 के समथिंग डेट में उससे बात हुई थी। वो बोल रहा था उस नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट मंथ में फ्राइडे को बोल रहा था, यदि आज 5-6 दिन में फ्राइडे आने वाला था, उसको बोला था उसने आ जाऊंगा, पर आया नहीं उसने फ्राइडे को। तो कॉल किया गया, बोल रहा उस
फिर टड्डे को आ जाऊँगा शाम तक। पर शाम को उसी दिन 8-9 समथिंग पुलिस आई तो उसने बताया ये सब कि ये हादसा हुआ है। तो कभी उसने घर पे जिक्र किया कि कभी ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करता है, ऐसा कुछ कभी बताया? ऐसा कुछ कभी नहीं बताया। आप लोग को क्या समझते थे कि नौकरी कर रहा है? हाँ नौकरी कर रहा है। तो नौकरी की पे तनख्वाह वनख्वाह भेजता था घर पे क्या? नहीं ज़्यादातर नहीं। नौकरी का मतलब नवी नौकरी नहीं। क्या नाम है आपका? टिंकू। टिंकू ये कौन सी जगह है? जमालपुर है। अच्छा, यहाँ एक नरेंद्र उर्फ लाला बदमाश हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो क्या यहाँ पुलिस रात को आई थी? पुलिस तो आई लेकिन बेचना रहता कहाँ है। अच्छा, पुलिस किसको ले गई थी? किसी को नहीं। भाने को ले गई है। तो कब से नहीं हुए हैं नरेंद्र लाला यहाँ? कब से नहीं है? हमें ना देगी। कब कितने साल? हम तो यहाँ सवेर काम पर लग जाता है। वो महीने 6 महीने आए हुए हमें नमाई जा मिले ना आए। अभी दिखते नहीं है। हमें ना देगी। बहाने रहे थे जहाँ में। करीब कितने बजे पुलिस आई होगी रात को? तो कोई 11-12 बजे करीब। तो क्या मिला कोई इस घर में? नहीं मिला। मिलो तो पकड़ लेगी।